नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक रोशन, स्वागत करता हूं मेरे चैनल द व्हील ड्राइव पर। तो आज मैं अपने चैनल पर लेकर आया हूं ऐसी बाइक जो पब्लिक डिमांड पर पहली बार मेरे चैनल पर आ रही है। आज मैंने अपने चैनल पर लेकर आया हूं सुजुकी जिक्सर नेकेड 150। ये जो बाइक है सिमिलर, आप दो वीडियो पहले देखे होंगे, मैंने डाला था सुजुकी जिक्सर SF के बारे में, सिमिलर उसी के जैसा है। बस इसमें फ़र्क क्या है, तो इसके वाइज़र का फ़र्क है। इसमें आपको वाइज़र नहीं मिलता है और बाकी सारे चीज़ आपको सेम मिलते हैं। इसके हेडलाइट के सारे बात करें तो आपको 3 बीम में हेडलाइट्स मिलते हैं, और यहाँ पर आप देख लें तो आपको हाई बीम लो बीम का जो ऑप्शन रहता है यहाँ पर आपको मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा आपको देखने में लगता है। और इसके बारे में बात करें तो काफ़ी ब्रॉड लुकिंग और ह्यूज लुकिंग बाइक लगती है। ओकर के बारे में बात करें तो आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है, जो कि बेस्ट इन सेगमेंट है। काफ़ी मोटा आपको ABS मिलता है, जो कि 41mm का है, जो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में और काफ़ी अच्छा शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है। इसके डिस्क ब्रेक के बारे में बात करें तो काफ़ी अच्छा आपको डिस्क ब्रेक्स मिलता है, डुअल डिस्क ब्रेक्स मिलता है, यहाँ भी आपको मिलेगा और पीछे भी मिलता है रेयर में भी। और काफ़ी अच्छा रेड कैलिपर्स का यूज़ किया गया है, जो रात में और दिन में भी चलने पर काफ़ी अच्छा आपको बाइक को स्पोर्टी फील देता है और बाइक देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। इसके बॉडी के बारे में बात करें तो आपको सेफ्टी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है सुजुकी जिक्सर की तरफ से। सुजुकी कंपनी सेफ्टी में आपका ध्यान दे रहे हैं, अगर आप गिर गए तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आपकी गाड़ी सेफ रहेगी कैसे, तो आपकी जो चेचिस रहती है बाकी सब बाइक में क्या देखेंगे, यहाँ तक केवल रहती है, लेकिन इसमें इसका चेचिस यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया गया है, ताकि अगर पीछे से कोई बाइक या कार या कोई भी व्हीकल अगर आपसे टकराती है पीछे से आकर, तो आपको कभी भी इंजरी नहीं होगी, आपके बाइक सेफ रहेंगे और आपको इंजरी से काफ़ी हद तक रिलीफ मिल सकता है। इसके बेस्ट इन पार्ट का बात करें तो आपको LED टेल लाइट्स मिलते हैं, यहाँ पर LED टेल लाइट्स ऑफर किए जाते हैं। और सबसे बेस्ट थिंग इस बाइक की जो कि है इसके ट्विन मफलर, जो बेस्ट इन पार्ट है, जिसके चलते इस बाइक को काफ़ी डिमांड में रखा जाता है। इसका जो मफलर है काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के साथ दिए गए हैं और काफ़ी मैसिव और स्पोर्टी लुक बाइक को प्रोवाइड करते, लगता नहीं है कि 1 से 2 के बीच में बाइक, 1 से 2 लाख के बीच में ये बाइक आपको मिलती होगी। इसके रेंज हमेशा ही हाई लगती है, देखने में ही हाई फाई बाइक लगती है। इसके फ्यूल टैंक के बारे में बात करें तो आपको 12 लीटर कैपेसिटी के साथ ये बाइक आपको टैंक कैपेसिटी प्रोवाइड करता है। और इसके माइलेज के बारे में बात करें तो 60 KMPL का आपको माइलेज देता है, जो कि बेस्ट इन सेगमेंट है। आपको कोई भी बाइक इस सेगमेंट के 60 का माइलेज क्लेम कभी नहीं करके दे सकता, और ये रियलिटी है, सही में आपको ये बाइक 60 का माइलेज सही में देता है। तो आपको माइलेज भी काफ़ी अच्छा मिलता है और अभी काफ़ी अच्छा सिटिंग पोजिशन भी आपको ये बाइक प्रोवाइड करती है। और लुक वगैरह के बारे में बात करें तो लुक आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा आपको लुक मिलता है। इसके इंजन के बारे में बात करें तो आपको 155 सीसी का एयर कूल्ड इंजन मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा रहता है। छोटा इंजन है 155 सीसी का, लेकिन फिर भी काफ़ी पावरफुल इंजन है, जो कि 13.6 PS का पावर और 13.8 PS का टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है। तो ये हुआ कंप्लीट बाइक का लुक। और इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं ये जो लाइट, सबसे पहले आप ये लाइट को ऑब्जर्व करें, ये लाइट आपको स्पीड लिमिट के लिए शो करता है, यानी कि आप इस बाइक में स्पीड लिमिट भी सेट कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे के हाथ में ये बाइक पड़ जाता है, ये यंग यूथ के हाथ में बाइक पड़ता है, तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड चलाने के वो शौकीन रहेंगे, क्योंकि ये स्पोर्ट्स बाइक है। तो इसमें आप 40 का स्पीड लिमिट अगर सेट करते हैं तो ये आपको ब्लिंक करने लगेगा, और आपके जो यंग यूथ है जो चला रहे हैं बाइक को, उनको ये रिमाइंडर आएगा पेरेंट्स की तरफ से कि आपको बाइक ज़्यादा स्पीड नहीं चलाना है, क्योंकि आपके घर पर भी कोई इंतज़ार कर रहा है। और फुली डिजिटल आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, यहाँ पर आपको सारे गियर वगैरह के सारे चीज़ दिखेंगे, न्यूट्रल है तो N दिख रहा है गियर, जिस गियर में गाड़ी रहेगी सारे चीज़ दिखेंगे, आपको कितना स्पीड से बाइक चल रही है, क्या आपको एवरेज दे रही है बाइक, और क्या आपके फ्यूल वगैरह है, ट्रिप वगैरह सारे चीज़ आपको शो करती है ये बाइक। बाइक के वारंटी के बारे में बात करें तो आपको बेस्ट इन क्लास सुजुकी वारंटी प्रोवाइड करती है, सभी उसके जितने भी व्हीकल है सभी व्हीकल पर बेस्ट इन क्लास वारंटी है, कि 5 साल तक के लिए आपको फ्री वारंटी मिलता है, यानी कि 5 साल तक में आप कभी भी आकर बाइक को सुजुकी के हैंड ओवर कर सकते हैं। अगर कोई भी पार्ट्स में आपको प्रॉब्लम आता है, छोटा से छोटा नट और बड़ा से बड़ा पार्ट्स का भी वारंटी आपको क्लेम करके सुजुकी देती है, जो कि और भी कोई अदर कंपनी नहीं क्लेम करती है इस चीज़ को। और 5 साल तक के लिए आप बेफिक्र होकर इस गाड़ी को चलाएं, आपको जैसे कूदाना वैसे कूदाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आपकी गाड़ी बस कोई
आपकी गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम होगी वो सुजुकी चेंज कर कर देगी 5 साल तक के लिए। और थर्ड सर्विस तक तो आप जानते हैं क्या क्या कॉस्ट रहता है, वो ऑलमोस्ट फ्री ही रहता है। और फोर्थ सर्विस जो कॉस्ट आता है वो आपको मैक्सिमम जाएगा तो 600-700 रुपये आपको लगते हैं। इस बाइक के प्राइस के बारे में बात करें तो प्राइस आपको थोड़ा हाई मिलेगा बाकी सब इस सेगमेंट के जितने भी बाइक हैं, लेकिन आप ये कंसिडर इसलिए आप कर सकते हैं क्योंकि इसमें फ़ीचर्स आपको काफ़ी अच्छे मिलते हैं, आपको स्पीड काफ़ी अच्छा मिलता है और प्लस में आपको काफ़ी अच्छा वारंटी और इंश्योरेंस क्लेम वगैरह सारे चीज़ के फैसिलिटीज़ अवेलेबल किया जाता है। और इसके प्राइस के बारे में बात करें तो 1,67,700 रुपीज़ आपको प्राइस लगता है ऑन रोड हमारे सुजुकी डाल्टनगंज में। और अगर आप हमारे रेफरेंस से आते हैं कि द व्हील ड्राइव के रेफरेंस से मैं आया हूँ तो आपको 2,000 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दिया जाएगा। तो आप अगर हमारे रेफरेंस देते हैं तो 2,000 का फ़ायदा हो जाएगा, अगर नहीं देते हैं तो आप 2,000 लॉस में जाएंगे, लेकिन अगर रेफरेंस से अगर आप आते हैं तो 2,000 का फ़ायदा अगर आपको कराना है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना शेयर कर सकते हैं, अगर आपके कलीग्स जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके फैमिली में हैं अगर इस बाइक को ख़रीदना चाहते हैं और 2,000 का फ़ायदा चाहते हैं तो ज़रूर आकर रेफरेंस दें और बाइक को यहाँ से ले जाएँ। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेशन है। सब्सक्राइब अगर आप करते हैं तो हमें मोटिवेशन आता है और आप अगर लाइक करते हैं और बेल आइकन को दबाते हैं तो आपको नोटिफिकेशन आता है। तो कोई भी अपडेट मिस ना करें और काफ़ी कोशिश करेंगे हमारी टीम की काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे अपडेट्स के साथ और काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ अगेन एंड अगेन बैक टू बैक हम लोग वीडियो आपको देते रहें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।